तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद आज विधानसभा में कटारिया का विदाई समारोह होगा और आज शाम 7:30 बजे आपको बता दें कि कटारिया का विदाई समारोह है। तो वहीं स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कटारिया से आग्रह किया और कहा कि परिवार के कुछ सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और परिवार के विधानसभा के पास के लिए कटारिया ने आग्रह किया और बोले कि मैं नाम भिजवा दूंगा, जिस पर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा मैंने सचिव को पहले ही दे दिए हैं निर्देश। उधर विधानसभा का प्रतिनिधि आपके घर जाएगा और सम्मान सभी सदस्य पहुंचाए जाएंगे, सम्मान सभी सदस्यों को पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 22 फरवरी को आयोजित होगा और उससे पहले 21 फरवरी को वो गुवाहाटी पहुंचेंगे। असम से चार्टर प्लेन उदयपुर आएगा और कटारिया को वहां पर लेके जाएंगे और 18 से 20 फरवरी उदयपुर में कटारिया रहेंगे और उससे पहले कटारिया 17 को विधायकों को डिनर देंगे। प्रदेश के सभी विधायकों के साथ सांसदों को भी न्योता दिया है। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की जो विदाई समारोह का आयोजन है किया जाएगा और तमाम विधायकों को सांसदों को भी न्योता दिया गया है, कब कब ये पूरा जो कार्यक्रम है रहने वाला है कटारिया के शपथ ग्रहण समारोह तक, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि कटारिया राजनीतिक राजस्थान की राजनीति में ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे और लगातार लंबे समय से यहाँ पर जानकार थे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पिछले 5 साल से और 4 साल से। अब उन्हें जब राज्यपाल मनोनीत किया गया है संघ का, तो आज उनका विदाई समारोह विधानसभा की ओर से किया जाएगा। शाम को यहाँ पर रिप्लाई होगा सीएम का और सीएम के रिप्लाई के बाद विधानसभा चली जाएगी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ये सम्मान समारोह किया जाएगा। उसमें रात्रि भोज की व्यवस्था की गई है, सभी विधायक रहेंगे, गुलाब चंद कटारिया के परिजन भी शामिल रहेंगे, क्योंकि कल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि उनके परिजनों के पास बनाया जाए। उसके बाद तत्काल विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि मैंने पहले भी कह रखा है विधानसभा सचिव को, वो अब आपके घर में कोई प्रतिनिधि जाएगा और उनके नाम डिटेल लेकर उनको से सम्मान यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद कटारिया का सम्मान किया जाएगा और कटारिया के सम्मान में यहाँ पर विधानसभा को सजावट भी की जारी है और इसके अलावा रात्रि भोज किया गया है और सम्मान जब होगा तब पूरे परिजनों की उपस्थिति में ये सम्मान दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर दो सब अपने अपने जो कटारे के साथ अनुभव है वो भी साझा करेंगे और वहीं दूसरी ओर कल 17 तारीख को कटारिया की ओर से भी सभी विधायकों को भोज दिया जा रहा है और यहाँ पर एक निजी होटल है उसमें भोज दिया जाएगा और उसमें तमाम विधायकों के साथ सांसद रहेंगे और पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद रहने वाले, इसके अलावा कुछ गणमान्य लोग उस भोज में रहेंगे। और 18 तारीख को कटारिया उदयपुर जाएंगे, 18 से 21 तक कटारिया, 20 तक कटारिया उदयपुर रहेंगे और 21 को असम से विशेष विमान, क्योंकि राज्यपाल मनोनीत हुए तो उन्हें लेने आएगा और वो 21 तारीख को वहां पहुंचेंगे और 22 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे राज्यपाल पद की और इसके बाद वो वहां रहेंगे। हालांकि कटारिया स्पष्ट कर चुके हैं कि वो उनका पूरे प्राथमिकता अभी असम में रहेगी, क्योंकि वहां जो मनोनीत किया गया जो जिम्मेदारी वो दी गई है, लेकिन जब वक्त मिलेगा तो वो यहाँ राजस्थान उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि है वो यहाँ आते रहेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा राजनीति जो है बीजेपी की कह सकते हैं प्रदेश में, तो वो वहां पर चिपक जाएगी और ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी रहेगी। आज इससे पहले कटारिया अपने जो विधानसभा की सदस्यता है उसके इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के साथ ही वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, जिस तरीके से विदाई समारोह का आयोजन होने जा रहा है और कल जो है तमाम विधायकों के साथ डिनर भी करेंगे कटारिया और विधायकों को सांसदों को उन्होंने न्योता भी दिया है, तो क्या सिर्फ प्रदेश भर के विधायकों और सांसदों को न्योता दिया गया है या फिर बाहर से भी मेहमान आने वाले हैं? बिल्कुल, आज जो विधानसभा में कार्यक्रम है वो तो केवल विधायकों की ओर से, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से तो ऐसे विधायक रहेंगे जो विधानसभा में और जो कर्मचारी और अधिकारी है, कुछ प्रमुख जो जो मुख्य सचिव सहित जो कुछ प्रमुख अधिकारी है वो यहाँ पर रहेंगे इस कार्यक्रम में। और जो कटारिया की ओर से जो दिया गया है उसमें उनके
जो बताया कि विधायकों के साथ सांसद भी रहेंगे और पार्टी के कुछ जो प्रमुख पदाधिकारी वो रहेंगे, और वहीं जो कुछ प्रमुख जो उनके हैं निजी लोग हैं जो परिचित हैं वो लोग यहाँ पर जनमान्य लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे, क्योंकि कटारिया खुद न्योता दे रहे हैं यहाँ तमाम जो लोग जो उन कटारिया के साथ जी, बहुत शुक्रिया विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।